30 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने लिस्ट जारी किया, जिसमें हाई प्रोफाइल सीट है वो राजनांदगांव, जिसको गिरीश देवांगन को दी गई है। कितना चुनौती मानते हैं? हाई प्रोफाइल देखिए, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने मौका दिया है, कहीं कोई चुनौती नहीं है। हमारे साथी इस चुनाव के लिए तैयार हैं, हर साथी गिरीश देवांगन और पंजा निशान को आधार मानकर चुनाव लड़ने को तैयार है, और राजनांदगांव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। रमन सरकार 15 साल तक रहे, एक तरफ आप कैसे देखते हैं? 15 साल में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का शोषण हो, छत्तीसगढ़ के रहने वालों का शोषण हुआ है, इसको जनता समझ चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ लगातार धोखा हुआ है, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे बेरोजगारों के साथ हो, चाहे महिलाओं के साथ हो। तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी का चेहरा बेनकाब हो चुका है। 5 साल में सरकार ने जिस दिशा में चहुमुखी विकास के लिए काम किए हैं, इसको जनता समझती है, जनता के बीच इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। 15 साल के मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से विकास की गति होनी थी, वो देखने को कहीं नहीं मिलती। वर्षों से, बचपन से लेकर आज तक राजनांदगांव लगातार हम लोग जा रहे हैं, लेकिन राजनांदगांव में विकास की गति ठहर सी गई है। इस विकास की गति को आगे बढ़ाने के लिए इस समय वहाँ कांग्रेस की जीत आवश्यक है। क्या क्या मुद्दे लेकर जाएंगे जनता? बताया आपको मैं, विकास के मुद्दे ही हैं, विकास मुख्य मुद्दा रहेगा। वहाँ के लोगों के रोजगार के मुद्दे हैं। राजनांदगांव एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही संस्कारधानी के रूप में जानी जाती है, वहाँ जिस प्रकार की गति होनी चाहिए विकास की, वो देखने को नहीं मिलती। मौजूदा विधायकों का टिकट काटी गई है, क्या पार्टी में नाराजगी या फिर जनता से नाराजगी, क्या वजह? ये तो हाईकमान निर्धारित करता है, मेरा विषय नहीं है। ये था गिरीश देवांगन, इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाला वक्त बताएगा आखिरकार राजनांदगांव की जो सीट है वो हाई प्रोफाइल सीट है, कौन जीतता है तो आने वाला तय करेगा। न्यूज़ प्लस 21 के लिए महेश कुमार साहू, रायपुर।